हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे निफ्टी 50 का 15 अक्टूबर 2020 के लिए इम्पोर्टेंट रेंज क्या हो सकता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 13 अक्टूबर को जो वीडियोस दिया गया था, आज के लिए जो इम्पोर्टेंट रेंज, मार्केट ने पर्टिकुलर रेंज को जो है रिस्पेक्ट किया। आज के मार्केट में आपने जो लोग वीडियोज़ देखे होंगे बखूबी वो लोग देख पाए होंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है और जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट्स का है। तो अगर बात की जाए कि आज के दिन भी मैंने 12,000 का इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको दिया था, 11,990 और 12,000। अगर आपने जो वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियोस जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, 11,990 और 12,000 ये एक अभी भी एक रेंज है जो कि सपोर्ट, माफ कीजिएगा, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है इसके लिए, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो कहां तक जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले नीचे साइड का एक सपोर्ट जो है इसमें देखते हैं। इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 900 अप्रोक्स दिस वन, राइट, ये लेवल पहले मैं मार्क कर देता हूँ, दिस वन, ठीक है ना। तो 925 935 जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल मुझे नजर आ रहा है, राइट, फिलहाल के लिए, जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। अब चूंकि मार्केट अभी जो क्लोजिंग हुई है, राइट, मार्केट की क्लोजिंग 12,000 के नियर बाई में है, राइट, 12,000 के नियर बाई में है वो, 11,990 12,000 के नियर बाई में है, राइट। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया था, यहां पे फंडामेंटली बियरिश था और आप देख सकते हैं शाम तक जो है बियरिश ही था, राइट, गैप डाउन खुला अपने आप को, बाद में वो अपने आप को जो है, चूंकि आज एशिया की मार्केट भी थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रही थी, ठीक है, थोड़ा सा रिकवरी कर रही थी, तो उसी का एक नतीजा यहाँ पे भी, ठीक है। तो अगर 11,925 के नीचे अगर वो आता है, राइट, ये जो जोन है, राइट, इसके नीचे अगर वो फॉर्मेशन करता है तो जो है एक और सपोर्ट की बात की जाए तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से अभी भी ये जो जोन है, यहाँ पे जो जोन दिख रहा है आपको 11,865, राइट, ये एक 11,850 से 865, ठीक है। तो ये एक जोन है जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है अगर वो नीचे साइड में मूव करता है। देखिए अभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत सारी है, जैसे कि इस रेंज पे बार बार जा रहा है और देखिएगा पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार यहाँ पे, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर वो इस जोन तक जाता है तो यहाँ से ढकेलने की कोशिश करेगा मार्केट, राइट, और ये तीसरी दफा होगा, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, राइट। तो यहाँ से डेफिनेटली एक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, राइट, लेकिन अभी एशिया की मार्केट थोड़ी सी बुलिश में रहेगी, राइट, डेफिनेटली ये भी वो चीज़ दिखाएगा, राइट। बात किया जाए अगर इसमें कि ऊपर साइड में अगर वो मोमेंटम दिखाता है तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, मैं इसे थोड़ा सा अभी छोटा कर देता हूँ और इसको, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक रिकवरी जो ऊपर साइड में करेगा, ठीक है ना, वो 12,700 दिस वन, ठीक है ना, यस दिस वन, ठीक है ना, 12,050, राइट। तो अगर ये ऊपर साइड में मोमेंटम करता है तो डेफिनेटली ये 12,050 के लेवल तक भी जाने की कोशिश कर सकता है, अगर ऊपर जाता है तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 12,050 भी एक लेवल जो है इसमें मार्क कर देते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा लेवल हो जा रहा है, आप सोच रहे होंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देने का मतलब ये है लेवल्स को कि इम्पोर्टेंट जो रेंज है वो रेंज को मैं दे रहा हूँ आपको। अभी मैं खाली फोकट को ये बोलूँ कि यहाँ से जो है ये रेजिस्टेंस हो गया सब, तो मैं चाहूँ तो बीच का हटा भी सकता हूँ, कोई मैटर नहीं है, राइट, क्योंकि अब यहाँ पे है ऐसा सपोर्ट है, राइट, सपोर्ट जो है वहां पे है तो मैं वो सपोर्ट आपको दे रहा हूँ, राइट, जो रेंज है वो रेंज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं कि पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट ने जो सस्टेन किया हुआ है
तो डेफिनेटली यहाँ पे रुकावट तो होगा ही होगा, राइट। तो हमारे लिए जो रेंज निकलता है, जो इंपॉर्टेंट रेंज, 12,000 के ऊपर जाएगा डेफिनेटली 12,050 12,060 के पास जो है उसको घूमना होगा, रेजिस्टेंस के तौर पे रुकेगा। गैप अप खुलता है तो अलग सिनेरियो, वरना 12,000 तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस अभी भी खड़ा है, राइट। बात की जाए तो 11,850 11,800, अगर 850 के नीचे जाता है डेफिनेटली 11,800 आ जाएगा, तो 11,850 अभी भी स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में खड़ा है, ठीक है। तो 11,850 ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस और स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में खड़ा है। बात की जाए बीच के लेवल की, तो बीच के लेवल में दोस्तों 925-935 एक सेंटर का एक जोन है, जहां पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी कि मार्केट जो है इसके रेंज में घूम जाए। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट इस यहाँ पे घूमा और लास्ट में 2-3 कैंडल जो ड्रॉ हुआ उसमें ही मार्केट ने, लेकिन शाम तक मतलब अप्रोक्स 9:45 से लेके और 2 बजे तक मार्केट में कुछ खास मोमेंटम तो था ही नहीं, खास क्या है ही नहीं इसमें, ठीक है ना, कोई मोमेंटम नहीं था, बस वो एक घूम रहा था एक चकली की तरह, राइट। तो ये है हमारा जो है निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट रेंज एनालिसिस के रूप में, राइट। और अगर इसके नीचे आता है तो डेफिनेटली फिर मेरे हिसाब से फिर 800 से नीचे आएगा तो फिर ये 750 के रेंज को, ये जो आपका देख रहे हो आप, इसमें गैप अप है, राइट, बीच में जो गैपिंग है वो फिलअप करने आ सकता है, अगर वो 850 के नीचे मूव करेगा तो 800 से नीचे जाएगा तो 750 का, राइट। और इसको फिल करने के बाद शायद वो ऊपर की ओर मोमेंटम, क्योंकि मार्केट जो है लगातार ऊपर जाते जा रहा है, एक कोई भी जो है रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं आया है, जबकि आप जानते हैं कि मार्केट लगातार नहीं जा सकता, राइट, एक बीच में जो है अपने आप को थोड़ा सा जो है रिट्रेस करता है, आफ्टर डेट फिर से मूव करता है, राइट। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंपॉर्टेंट लेवल आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, राइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।